नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एमपी की राजनीति में उलटबाजी हो रही। दर्जन भर से ज्यादा अपने चेहरों को मंत्री बनवाने के बाद चहकते हुए सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ललकारते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। बस क्या था, कांग्रेस में उनके पुराने साथी पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने टांग खिंचाई शुरू कर दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चहक कर क्या ये बोल दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। सारे विरोधी मिलकर सिंधिया के पीछे ही पड़ गए। सिंधिया का ऐसा मजाक बना दिया कि मानो वो गंभीर नेता नहीं बल्कि मजाक के पात्र हों। सिंधिया से धोखा कर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बदला लेने का मौका नहीं छोड़ा। सिंधिया से ही पूछ लिया कि वो कौन से वाले टाइगर हैं, जंगल वाले या सर्कस वाले। सिंधिया विरोधी राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी नहले पर डेरा दे मारा। दिग्विजय ने सिंधिया पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि एक जंगल में एक ही शेर रहता है। वो ये कहना चाहते हैं कि सिंधिया नहीं, वो शेर हैं। वहीं कमलनाथ का गुबार इतने भर से नहीं निकला। सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े में फर्क होता है। शादी का घोड़ा सज धज कर सिर्फ नाचने के काम आता है और सिंधिया वही घोड़ा है। दरअसल सिंधिया अरसे से कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस के कमलनाथ की सरकार गिरवाकर बीजेपी की सरकार बनवा ली थी। तब से ही कांग्रेसी उन्हें जलील करने का मौका खोज रहे थे। अब जिस तरह से कांग्रेसियों ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसे देखकर यही लगता है कि ये जुबानी जमा खर्च अभी और जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।